वो देखते हुए आप लोग बताते रहे अपने अपने स्टॉल्स के बारे में। एले इंडस्ट्रीज कंपनी है, नवी परिंदर शहरी है, मैं पहले भी है। अच्छा सर, दो साल हुआ है मुझे स्टार्ट किए हुए। हाँ रुको यार, मुझे के पास से बहुत अच्छा अचीव कर लिया है। बहुत सुंदर, सारे बोल स्पेशल ये है और एक वो है ये दीदी नीचे। अच्छा अच्छा, एक हफ्ते बाद हाथ में ले रहे ना, ऊपर उठाई हाथ में। हाँ जी, इस समय है मैं उस साथ में काम कर रही हूँ और सर मुझे दो साल हुआ है स्टार्ट किए हुए। बैंक की तरफ से जी मुझे बहुत अच्छा रनिंग दी है, उससे मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। जूम करना ही है कैमरे में, नया लो मोबाइल, इसको अभी और एक्सपेंड कर सकते हैं। सर मेरा बहुत मन है, मैं अब्रॉड तक जाना चाहती हूँ इसको लेकर के, और उसके लिए आपको ये स्पेशल बनाया है, ये स्पेशल बनाया है है। कृपया जोरदार कैटल ध्वनि के स्वागत करें। कपूर रखा जल जाएगा, कोई बात नहीं, अब कपूर अरे रुक जाएगा, रुक जाएगा, चल जाएगा, तो कुछ भी काम है सब समझो आगे। सुनील सोलंकी ओमेक्स लिमिटेड, कपिल देव सारंग हॉलीडे इन एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग एंटरप्रेन्योर्स, हम लोग खुद आगे बढ़कर गवर्नमेंट के उन सारे कदमों का स्वागत करें और अपने आप को यहाँ से 10 गुना करने के लिए कम से कम अगले 10 सालों की तैयारी 10 गुना करने के लिए हम अपने अंदर रखें। ये हमारी एक ड्यूटी बनती है, हमारा एक्सपीरियंस हमारी नई जनरेशन के लिए जो सक्सेशन के रूप में अपने आप को गवर्नमेंट की नीतियों के अनुरूप। यहाँ उम्मीद तो बहुत है कि यहाँ पर काफ़ी लोग आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे, जिससे रोज़गार बढ़ेगी हमारे मथुरा में और बहुत सारे काम भी हम कर सकेंगे यहाँ पर। और हमने पूरा आश्वासन दिया है और हमारी सरकार भी दे रही है, योगी जी ने कहा है कि यहाँ पर सब किस्म का सुविधा सबको मिलेगी जो इंडस्ट्रीज यहाँ लगाने आ रहे हैं। पहले जो भयभीत का एक माहौल था वो नहीं है इस वक्त, इस वक्त बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत काम होगा यहाँ पर। कितने निवेश पर स्वीकृति हुई है, कितने उद्योगपतियों ने इसमें साइन किया, उसका वो डिटेल बताएंगे, बाकी वो मुझे इतना डिटेल में मालूम नहीं है, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हैं, तो यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। देखिए पेड़े में तो दौड़ने का तो यह है कि बहुत तेज़ी से दौड़ेगा, जिस तरीके से अगर हमारी सरकार पेड़े की तरफ ध्यान दे रही है, हमारी माननीय सांसद महोदया ने ये कहा है कि मथुरा रेलवे स्टेशन पे जो ख़राब क्वालिटी का पेड़ा बिक रहा है उसको वो तुरंत प्रभाव से रोक लगवाएंगे, उस पर प्रयास करेंगे कि वहाँ अच्छी क्वालिटी का पेड़ा बिके, तो निश्चित रूप से मथुरा के पेड़े इंडस्ट्री में पंख लगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 करोड़ रुपये के बराबर का SGST अगर मेरे प्रोडक्ट के ऊपर लगता है तो वो मुझे 2 करोड़ 5 साल के अंदर हर वर्ष 2 करोड़ सरकार की तरफ से वापस मिलने वाला है, मतलब 5 साल में मेरी इंडस्ट्री कैपिटल इन्वेस्टमेंट से फ्री होने वाली है, ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कमिटमेंट है। कानून की व्यवस्था की बात करें तो कितना बदलाव देखते हैं? कानून बहुत अच्छा है, छोटी छोटी घटनाएं सब जगह होती हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो चाइना हो, इन घटनाओं को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमें अपने आप को अपने बचाव के लिए
डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। सरकार की तरफ से बहुत अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका हम हार्दिक और हृदय से स्वागत करते हैं। यहाँ पे मुख्य जो हमारे पास MOUs या निवेशक आए हैं वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर यानी टूरिज्म से संबंधित हैं, MSME से संबंधित इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी MOUs हमारे पास आए हैं। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो हर क्षेत्र को छूते हुए MOUs हैं और आगे आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी होगी, ये यूनिट्स यहाँ स्थापित होंगी, रोज़गार मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। ठीक सर, थैंक यू। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जनपद मथुरा में आज इन्वेस्टर समिट का आयोजन करा गया। इसमें हमारे जनपद के जो प्रमुख निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी बंधु हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया था, उनके द्वारा प्रतिभाग करा गया। और ये पूरे एक दिवसीय कार्यक्रम है जिसमें अलग अलग सेशन में सरकार की जो नीतियाँ हैं उसमें जो रियायतें दी जा रही हैं, उसमें जो निवेशकों को छूट दी जा रही है, उन सब के बारे में अलग अलग सेक्टर में बताया जाएगा। हम लगभग 140 MOUs यहाँ पे साइन हुए हैं और इसमें लगभग 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जनपद मथुरा में आया है। इससे 50,000 के ऊपर का रोज़गार भी जनरेट होगा और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कहूँगा ये एक ऐतिहासिक दिन है जनपद मथुरा के लिए, जब इतनी भारी संख्या में निवेशकों ने अपना विश्वास जनपद मथुरा में दिखाया है, इतने भारी अमाउंट के MOUs यहाँ पे साइन हुए हैं और सरकार और प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि आगे आने वाले समय में इन निवेशकों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इनकी जो भी समस्याएं हैं उसके लिए नियमित रूप से उद्योग बंधु के माध्यम से उनको हम लोग हल कराते रहें। और जिस तरह से ये निवेशक यहाँ पे आएंगे तो उद्योग होगा और क्षेत्र का विकास होगा। सब किस तरीके के MOU यहाँ पर साइन किए गए, रोजगार किस तरीके का बढ़ेगा?